वही अगर पवन सिंह के बारे में कितना बड़ाई कीजिएगा तो आपका फ्लॉप हो जाएगा वीडियो। ऐसा क्यों? ऐसा ग्लोबल स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, तो खेसारी लाल हिट मशीन है लेकिन पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का कोई वैल्यू नहीं। अब ना रहल पावर स्टार, पावर खत्म। अब उनका पावर जहाँ वाइफ को लेकर के, कभी उनको माँ को लेकर के बेवजह, जिसकी शुरुआत भी तो खेसारी लाल यादव ने ही की थी, किसी के भी बेटी बहन माँ के ऊपर गाना गाकर। तो सुनिए ना, तो ये अखिलेश बाबा जो पवन सिंह जो गलत करते हैं उस रेखा पे खेसारी लाल चलेंगे, लेकिन पवन सिंह कुछ अच्छा करते हैं तो उस रेखा पे खेसारी लाल नहीं चल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ खेसारी लाल यादव मौजूद है, वही खेसारी लाल यादव जिन्होंने पवन सिंह के ऊपर विवादित टिप्पणी कर दी और विवादित टिप्पणी में ये कह दिया कि पवन सिंह तो बूढ़े हो चुके हैं, पवन सिंह की उम्र हो गई है, वो अगर हीरोइनों के साथ अगर नाचते नजर आते हैं, एक्ट्रेस के साथ वो एक्टिंग करते नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी उम्र पता चलती है और वो हीरोइन के सामने उनके चाचा लगते हैं, उनके अंकल लगते हैं। बाकी ये खेसारी लाल यादव हमारे साथ मौजूद हैं, क्यों ऐसा विवादित बयान दे दिया खेसारी लाल यादव ने? सबसे पहले तो सतर्क बिहार को जितने, जोर से बोलिए थोड़ा सा। सबसे पहले जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो सर्च करके बाद में भी देखें उनको भी मेरा नमस्कार। अब बताइए एक चीज़ कि खेसारी लाल यादव ने ये विवादित बयान क्यों दे दिया कि पवन सिंह बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि जबकि पवन सिंह की उम्र 37 से 38 साल है और खेसारी लाल की उम्र भी 36 से 37 साल है। अगर बात की जाए तो कुछ महीनों का ही अंतर है दोनों के उम्र में, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पवन सिंह बूढ़े हो गए हैं, पवन सिंह अब जवान नहीं रहे, पावर स्टार नहीं रहे, ऐसा क्यों कह दिया खेसारी लाल यादव? देखिए, वो एक इंटरव्यू के दौरान बोले थे जी, वो कोई जानबूझ के नहीं बोला गया था। हाँ, जबकि वो बगल में जो इंटरव्यू ले रहे थे वही बोले थे जो पवन सिंह बूढ़े हो गए हैं जी। तो खेसारी लाल यादव बोले, भैया जो मतलब हम बोलना नहीं चाहते हैं कि वो बूढ़े, लेकिन वो तो खुल के बोलते नजर आ रहे थे कि पवन सिंह अगर स्टेज पे जाते हैं तो उनका कैटेगरी अब चेंज हो गया, वो अंकल के कैटेगरी में चले गए हैं। बात सही है कि देखिए, अगर अभी अगर वो नाचते हैं किसी हीरोइन के साथ कोई एक्टिंग करते हैं तो वो अंकल टाइप के थोड़ा लगते हैं, उनको अब ये रोल नहीं निभाना चाहिए, उनको पिताजी का रोल निभाना चाहिए। तो खेसारी लाल को पिताजी का रोल नहीं निभाना चाहिए? उनको तो अभी तो उन दोनों में तो कुछ महीनों का ही अंतर है, उम्र में तो महीनों का ही अंतर है बस। तो सबको ऊपर वाले ने बनाए हैं, उनको देखने से भी लग रहा है उनका दाढ़ी पक गया, बाल पक गया पवन सिंह को, और खेसारी लाल को अभी देख लीजिए वो एकदम जवान लग रहे हैं, 25 से 30 बरस के लग। आप खेसारी के फैन हैं, इनके बारे में बताया जाए तो खेसारी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, इन्होंने अपने चौक का नाम, जिस जगह पे रहते हैं उस चौक का नाम ऑफिशियल परमिशन लेके खेसारी चौक रख दिया, और ये खेसारी लाल के इतने बड़े फैन हैं कि आधार कार्ड में अपना नाम बदल करके खेसारी लाल यादव करवा लिया। अब ये तो खेसारी लाल का गुणगान गाएंगे ही, लेकिन खेसारी लाल ने कॉन्ट्रोवर्सी करने के लिए इस चीज़ की शुरुआत की है कि उन्होंने पवन सिंह के ऊपर ये कॉन्ट्रोवर्सी कर दिया, लेकिन खेसारी लाल की गलती मानते हैं या फिर नहीं? देखिए, अगर गलती रहेगी खेसारी भैया को तो मैं उनको विरोध करूंगा, ऐसा बात नहीं है कि जे मैं उनका फैन हूं तो उनको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे घर में अगर कोई गलतियां होती है तो अगर हम गलती करेंगे तो मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे, दबाएंगे। ठीक वैसा ही अगर वो मैं उनका फैन हूं तो ऐसा नहीं है कि वो गलती करेंगे हम लोग तालियां बजाएंगे वाह 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 वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी आप क्यों इस चीज को स्वीकार नहीं करें कि अभी उनकी गलती है? देखिए, गलती नहीं है उनको, इसीलिए मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि मजाकी तौर पे बोला गया था कि जे यहां मजाक चल रहा है। वीडियो ठीक से आप देखिएगा दोबारा, मजाकी तौर पे बोला गया था कि जो इसको कंट्रोवर्सी बाद में ना किया जाए, यहाँ पे मजाक चल रही है। तो मतलब खेसारी लाल मजाक में बोलते हैं, लेकिन अब एक चीज बताइए, पवन सिंह के जितने फैंस हैं, एक राजन सिंह मुकुट हैं, उनको भी मिर्ची लग गई और तमाम पवन सिंह के फैंस को मिर्ची लग गई। राजन सिंह मुकुट को जो बात कीजिए, उसका पिताजी। किसका पिताजी? उनका पवन सिंह का बेटा है। अच्छा, राजन सिंह। राजन सिंह, अच्छा, और वो उनके पिता है, वो उनका बेटा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा देखिएगा, उनको हर एक वीडियो में कहेंगे मेरे पापा ये बना दिए, ये कर रहे हैं। अच्छा, मतलब राजन सिंह मुकुट से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है। वो मिल जाएगा ना यहाँ चौराहे जी, उनको तो हम बताएंगे बाद में, पहले आने दीजिए उनको। लेकिन खेसारी लाल का बड़ाई करते भी नजर आ रहे हैं आप राजन सिंह मुकुट। जब तक आप अगर खेसारी लाल के बारे में 2 शब्द 10 शब्द उल्टा पुल्टा बोल दीजिए, आपको देखिएगा व्यू कितना फास्ट जाता है जी। वही अगर पवन सिंह के बारे में कितना बड़ाई कीजिएगा तो आपका फ्लॉप हो जाएगा वीडियो। ऐसा क्यों? ऐसा ग्लोबल स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, तो खेसारी लाल हिट मशीन है लेकिन पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का कोई वैल्यू नहीं। अब ना रहल पावर स्टार, पावर खत्म। अब उनका पावर जहां से शुरू होलो वहां से खत्म। मतलब पवन सिंह अब खत्म हो चुके हैं, उनका करियर खत्म हो चुका है। पवन सिंह जो एक दिग्गज आदमी थे, जिनको बड़ा भाई खेसारी लाल यादव मानते थे और कहते थे कि मेरे पिता समान है पवन सिंह, वो पवन सिंह अब खत्म हो चुके हैं इंडस्ट्री से। उस टाइम, एक मिनट, आपने सही सवाल किया। जिस टाइम आपको जब बोला गया था कि पवन सिंह हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल हैं जी, तो उस टाइम पवन सिंह को बुरा नहीं लगा जो मुझे पिता तुल कर रहे जी। अगर आज अंकल टाइप के बोल दिए तो कितना मिर्ची लग गई।
तो उनके कहने का मतलब तो ये था कि पहले उन्होंने पिता तुल्य उन्हें इज्जत देने के लिए कहा, लेकिन अभी उनका मजाक उड़ाने के लिए, हास्य में उनको उनका हास्य उड़ाने के लिए कह दिया गया कि आप तो अंकल लगते हैं, आप क्यों हीरोइनों के साथ नाचते हैं। अब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, कॉमेंट सेक्शन चेक किया गया तो वहां दो कॉमेंट दिखे जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिनमें से एक कॉमेंट था कि खेसारी लाल यादव ये चाहते हैं कि पवन सिंह इंडस्ट्री छोड़ दें और उनके इंडस्ट्री छोड़ने के बाद खेसारी लाल अकेले राज करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि खेसारी लाल इंडस्ट्री छुड़वाने के लिए ये सब बोल रहे हैं, उनको डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है तो उधर से है, पवन सिंह के दो चार दस चमचे लोग हैं जी, जो वो चाह रहे हैं कि खेसारी लाल हट जाए, जो वो जगह को हम कब्जा कर ले। अगर आज के डेट में खेसारी लाल यादव को कोई गोली मार देगा ना जी, तो इंडस्ट्री के सारा सारा लोग बोलेंगे वाह 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 बहुत अच्छा हुआ जी, जगह खाली हो गया। अच्छा, मतलब जगह खाली करवाने के लिए ये कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि वो बंदा मेहनत कर करके इतना पसीना खून पसीना बहा करके उस लेवल पे गया है, उसको जबरदस्ती लोग टांग खींचता, कभी उनको बेटी के ऊपर गाना गाता आपने देखा था जी, कभी उनको वाइफ को लेकर के, कभी उनको माँ को लेकर के बेवजह, इसकी शुरुआत भी तो खेसारी लाल यादव ने ही की थी, किसी के भी बेटी बहन माँ के ऊपर गाना गाता। तो सुनिए ना, तो ये अखिलेश बाबा जो आपको बोले थे, अखिलेश कश्यप जो कुछ दिन पहले मैंने साल दो साल से ये सब चीजें बंद कर दिया, जब वो चीज बंद कर दिए तो बंद हो गया, बंद कर देना चाहिए अगला कभी। तो मतलब आपने गलती कर दिया, अब पंकज सिंह ने भी यही गलती की, अब पंकज सिंह जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जो गलती पहले खेसारी लाल यादव ने कर दी, अखिलेश कश्यप ने कर दी, उनके वजह से इन लोगों को क्यों सजा नहीं मिली? रही बात खेसारी लाल यादव की गलती की, तो गलती किए थे तो ये वो कभी किसी बेटी का या किसी पिता का नाम लेकर के नहीं गाए थे जी, नहीं ना गाए थे, नहीं वो वीडियो अभी भी कहिएगा तो सर्च करके दिखा देंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये नाम लेकर के गाना गाने का ट्रेंड तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के थ्रू ही आया था। तो खेसारी लाल यादव का ने वो पवन सिंह, जो पवन सिंह बोल रहे हैं हमारे रेखा पे जी, बोले ना मैंने एक रेखा खींच दिया है जी, तो उनको रेखा पे गंदा गाना चल रहा है। तो मतलब कि अगर पवन सिंह कुछ गंदा करते हैं तो पवन सिंह जो गलत करते हैं उस रेखा पे खेसारी लाल चलेंगे, लेकिन पवन सिंह कुछ अच्छा करते हैं तो उस रेखा पे खेसारी लाल नहीं चल सकते हैं। देखिए सबका समय होता है, सबका, जैसे पवन सिंह कोई ऐसा रेखा खींच दिया, आप बताइए तो 25 से 20 से 25 गाना उनका 100 मिलियन होगा, खेसारी लाल को देखिए 80 से 83 मिलियन, 100 मिलियन प्लस गाना है, लेकिन ज्यादा कंट्रोवर्सी में खेसारी लाल यादव रहते हैं। इसलिए कि देखिए अगर कोई आगे बढ़ेगा ना तो उसके पीछे ढेला चलाने वाले बहुत लोग रहते हैं जी, अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको बहुत दो चार दस दुश्मन रहते हैं, तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर आप डायरेक्ट चाहिएगा सीधे चढ़ जाने सिर्फ ये, तो आपको नहीं कोई बढ़ने देगा, जब तक आपको विरोध नहीं मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाकी ये हमारे साथ खेसारी लाल यादव थे, इनका नाम खेसारी लाल यादव है और ये आधार कार्ड पे अपना नाम खेसारी लाल यादव करवा चुके हैं। ये खेसारी लाल के बहुत बड़े फैन हैं, जब भी कोई विवाद होता है तो खेसारी लाल के सपोर्ट में ना जाने कितने अनगिनत पोस्ट ये कर देते हैं, एक चौक का नाम खेसारी चौक तक रख देते हैं और इतने बड़े फैन हैं, शायद इसी वजह से खेसारी लाल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि खेसारी लाल के इस बयान के बाद अब पवन सिंह के फैंस उनके ऊपर क्या असर लेते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं और उन्हें किस तरह से गड़ियाते हैं, क्योंकि ये चीज बिल्कुल सत्य है कि पवन सिंह ने जब भी कमेंट किया खेसारी लाल पे तो पवन सिंह को गालियां सुनने को मिली है खेसारी के फैन से, और जब भी खेसारी ने पवन सिंह पे कोई कमेंट किया है तो उनके फैन से पवन सिंह को गालियां सुनने को मिली है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को देखिए और खेसारी भैया को सपोर्ट कीजिए। बाकी ये तो एक छोटे कलाकार हैं जो खेसारी लाल के नाम की वजह से शायद आज चर्चा में आ रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, उनके फैन हैं और उनके राह पे ही चल रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।